हेलो गाइस, मेरा नाम तन्वीर चौधरी है और ये मेरा Day 10 का Video 2 है। मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड की थी और अभी मेरा वीडियो नंबर 2 अपलोड करूँगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये मेरा Day 10 का वीडियो 2 है और इस वीडियो में मैं आज एक हॉलीवुड फिल्म की रिव्यू करूँगा और उस फिल्म का नाम फॉरेस्ट गम है। ये एक क्रिटिकली एक्लेम मूवी है, ऑस्कर विनिंग मूवी है। यह जो मूवी फॉरेस्ट गम है, यह मूवी 1993 को रिलीज हुआ था और इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था 1993 को। तो दोस्तों, आज मैं इस फिल्म का रिव्यू करूँगा और इस मूवी का जो थीम कॉन्सेप्ट है, मॉरल है, बहुत ही अच्छा है। आई होप मैं जब रिव्यू करूँगा अभी, ये सुनकर आपको मोटिवेट ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना मत भूलना। तो दोस्तों, अभी मैं फॉरेस्ट गम मूवी का रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। फॉरेस्ट गम मूवी जो है, उसका एक्टर है टॉम हैंक्स। आई होप जो जो इंग्लिश फिल्म देखते हैं उनको इसका नाम, दैट इज़ टॉम हैंक का नाम मालूम होगा। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट गम का लीड एक्टर है टॉम हैंक्स। तो ये जो मूवी है फॉरेस्ट गम, इस मूवी का जो थीम कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही अच्छा है। मूवी में फॉरेस्ट गम उस कैरेक्टर लीड कैरेक्टर का नाम है जो एक्चुअली मेंटली उसका आईक्यू बहुत कम है। वो कुछ बात समझता नहीं है, एकदम बच्चों की तरह हरकत करता है। कोई काम दोगे तो वो उसे अच्छी तरह से नहीं, दूसरी तरह करता है। तो इस मूवी में ये बताया गया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, या आपका कोई हाथ नहीं है, पैर टूटा हुआ है, आप चल नहीं सकते, आपको और कोई बीमारी है, तो आपको हार नहीं मानना है। आपको उन चीज़ों के साथ लड़ना है और सक्सेसफुल बनना है और इस वर्ल्ड के साथ, ये जो वर्ल्ड है, उनको दिखाना है कि
हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम है तो हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। और इस मूवी में जो फॉरेस्ट गम है वो एक उसका दिमाग बच्चों से भी कम है, मतलब उसका आईक्यू लेवल एकदम ज़ीरो है, लेकिन वो अपनी मेहनत से, हार्ड वर्किंग से आर्मी में ज्वाइन हुआ, दैट इज़ मिलिट्री में ज्वाइन हुआ। उसके बाद मिलिट्री में उसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे, मिलिट्री में बहुत सारे मेडल्स भी जीता था। और कुछ समय बाद वो मिलिट्री भी छोड़ दिया। उसके बाद उसने फिश का बिजनेस स्टार्ट किया, डेट इज़ मछली का बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी धीरे धीरे उसका मछली का बिजनेस इतना ग्रो हुआ कि धीरे धीरे उसका मछली का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ। तो धीरे धीरे जैसे उसका बिजनेस ग्रो होते गया उसका प्रॉफिट भी बढ़ता गया, और वो अचानक एक दिन मिलियनियर बन गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम हार्ड वर्किंग और थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिल सकता है। इस मूवी में जो फॉरेस्ट गम है उसे भी प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी हार नहीं मारा। उसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था वो बहुत ही अच्छा था। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। उसमें एक डायलॉग है, लाइफ इज़ लाइक ए चॉकलेट, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मतलब हमारा लाइफ एकदम सरप्राइज है, हमें कोई पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें उस जंग में लड़ते रहना है। हार्ड वर्किंग करेंगे तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और हमारा जो प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी और किसी का जो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो नाराज़ कभी मत होइए। आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर आप रेगुलर हार्ड वर्क करेंगे, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और आप सब कुछ से ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का यही मोरल है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, हार कभी नहीं मानना है, कोशिश हमेशा करना है, हार्ड वर्किंग करते रहो, लाइफ हमें सक्सेसफुल होने का मौका ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आज का ये डे 10 का वीडियो टू आज का ये वीडियो टू यही ख़त्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड आई होप आप सभी का दिन आज खुशी खुशी जाएगा। तो गुड बाय, सी यू टुमारो अगेन। बाय दोस्तों।